The Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, आज हम चीन के वुहान प्रांत में फैले कोरोना वायरस महामारी के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी जानेंगे कि आखिर कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है और उसके बचाव के क्या उपाय हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जो वहाँ पे वुहान में बसे भारतीयों को निकालने की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के। चीन के वुहान में फंसे लगभग 500 के आसपास भारतीयों को वहाँ से निकाला जा चुका है। एयर इंडिया के विशेष विमान द्वारा उनको लाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें से भारत ने कुछ मालदीव के भी कुछ नागरिकों को, भारतीय नागरिकों के साथ वुहान से निकाला है। कोरोना वायरस के डर के बीच चीन के वुहान में फंसे भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का डबल डेकर जंबो 747 विमान शनिवार सुबह दिल्ली पहुंच गया। बोइंग ने शुक्रवार देर रात वुहान से उड़ान भरी थी। विमान वुहान के ताई हने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुक्रवार देर रात रवाना हुआ था तथा शनिवार सुबह 7:30 बजे दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया। वहीं भारत पहुंचे सभी भारतीय छात्रों को एयरपोर्ट पर आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज और एयरपोर्ट हेल्थ अथॉरिटी की संयुक्त टीम द्वारा स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद उन्हें मानेसर के शिविर ले जाया गया। कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर मरीज को दिल्ली कैंट के बेस अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। भारतीयों को निकालने के लिए चीन के प्रयास की भारत ने सराहना की है। उधर चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 259 हो गई है। वहीं 11,791 लोग इस संक्रमण के चपेट में हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को यह जानकारी दी। आयोग ने कहा 31 जनवरी की मध्य रात्रि तक स्वास्थ्य आयोग ने 31 प्रांतों से 11,791 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाए जाने की सूचना मिली है। इसमें से 1,795 लोगों के हालात गंभीर हैं। 17,988 से अधिक लोगों में कोरोना वायरस का संदेह पाया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,100 नए मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने शुक्रवार को ग्लोबल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। हालांकि चीन की यात्रा और किसी भी प्रकार के व्यापार की रोक नहीं लगाई गई थी। WHO के मुताबिक भारत समेत 21 देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण के 100 मामले सामने आए हैं। इसमें चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, भारत, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ताइवान, मकाऊ, वियतनाम, UAE, रूस और ब्रिटेन शामिल हैं। कोरोना वायरस की चपेट में वे लोग भी हो सकते हैं जिनमें इनके लक्षण दिख नहीं रहे हैं। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों में घातक कोरोना वायरस से संक्रमित होने के लक्षण दिखाई नहीं देते वे भी इससे पीड़ित हो सकते हैं और इसे अन्य लोगों तक फैला सकते हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने यह बात द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कही है। यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है तो चीन में फैले इस वायरस को काबू करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अनुसंधानकर्ताओं ने लोगों को सचेत किया है कि जो लोग वायरस से पीड़ित नहीं दिखते उन्हें भी संक्रमण फैलने का खतरा है। कोरोना वायरस के सामान्य संकेत और लक्षणों में श्वसन संबंधी लक्षण, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना आदि शामिल है। अधिक गंभीर मामलों में संक्रमण से निमोनिया, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेलियर, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार संक्रमण को रोकने के मानकों में नियमित रूप से हाथ धोना, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकना, मांस और अंडे की अच्छी तरह से पकाना शामिल है। खांसी, जुकाम और सांस की बीमारी के लक्षण दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति के पास जाने से बचें। खांसने, छींकने, बीमार व्यक्ति को हाथ लगाने, खाना बनाते समय,
कूड़ा उठाने खाने के बाद बाहर से आने के बाद अपने हाथ को साबुन और पानी से धोएं, छींकते और खांसते समय अपने मुंह और नाक को कवर रखें, टिशू को बंद कूड़ेदान में फेंकें, छींकते और खांसते समय अपने आस्तीन को ऊपर रखें, फ्लू जैसे लक्षणों से पीड़ित लोगों के पास जाने से बचें, मीट और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, मीट काटने के लिए हर बार चाकू को अच्छी तरह से धोकर यूज करें, कच्चे मीट को हाथ में पकड़ने के बाद भी हाथ को अच्छी तरह से धोएं, पशु का मीट खाने से बचें, किसी भी तरह के पशु उत्पाद को हाथ लगाने के बाद हाथों को धोएं, मोहल्ले के किसी भी पालतू या आवारा पशु से दूर रहें, बुखार और खांसी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के पास जाने से बचें, यदि बुखार खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो जल्दी से चिकित्सक के पास जाएं, जानवरों और फार्म में काम करने वाले लोगों से दूर रहें, कच्चे या अधपके पशु उत्पादों के सेवन से बचें, अपने घर में दिन में कम से कम 2 बार पोछा लगाएं, सफाई के दौरान हाथों में ग्लव्स पहनें। रेबीज के वायरस के लिए कुत्तों को जिम्मेदार माना जाता है, उसी तरह से कोरोना वायरस के फैलने के लिए जंगली जानवरों के सेवन को जिम्मेदार माना जा रहा है, जहां अभी तक सबसे बड़ा कारण चमगादड़ों को माना जा रहा है। चूंकि चाइना में हर तरह के पशु पक्षी खाए जाते हैं, उनकी खरीद बिक्री वहां होती है। चाइना का वुहान शहर इन अजीबोगरीब जानवरों की खरीद बिक्री का सबसे बड़ा बाजार है, वहीं से इस खतरनाक वायरस का जन्म माना जा रहा है। वायरस इतना खतरनाक है कि जो इसकी चपेट में आ रहा है, एक हफ्ते के दौरान उसकी मौत निश्चित बताई जा रही है। वैसे चाइना में तमाम वैज्ञानिक इस वायरस का टीका खोजने में लगे हुए हैं, वहीं इस बात की जानकारी मिली है कि पूरे संसार में इस वायरस को लेकर अलर्ट घोषित किया जा चुका है। जिन राष्ट्रों के नागरिकों व स्टूडेंट चाइना के किसी भी शहर में किसी भी वजह से रह रहे हैं, उन सभी को पहले ही सावधान कर दिया गया है, साथ ही उनसे एहतियात बरतने को भी बोला जा रहा है, जिससे वह इसको चपेट में न आ जाए।